बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खुशखबरी की बात यह है कि वो जो बड़े बड़े थे अब उन्होंने हथियार डालना शुरू कर दिए हैं और जो बंद दरवाजे थे वो खुल गए हैं। जो कल तक बहुत अकड़ में थे अब कप्तान के लिए वो खुद ऑफर्स दे रहे हैं और कप्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और उसका ऐलान होना बाकी है। मैं आपको इशारा पहले ही दे चुका हूँ और मामला करीब आते हुए अब चीज़ें उस समत में जाना शुरू हो गई हैं। सबसे पहली बड़ी खबर तो मेरे पास ये है और कप्तान ने महाज और हवाओं का रुख अपने हक़ में बदलते हुए देख के एक और झुरलू फेर दिया है और उस झुरलू फेरने के साथ जो है मामला अब ओवरऑल जो है इनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और कप्तान ने जो है वो कमान संभाल ली है। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं, एक बहरान से मुतालिक खबर है और उसके बाद ये जो खजाना खाली होने के दावे किए जा रहे हैं उसके बावजूद आज कुछ नवाजिशें की गई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और फिर मईशत से मुतालिक कुछ बातें। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज बरवक्त आप तक पहुंच रहे। अब मामला इस वक्त यह है कि इमरान खान की हुकूमत हटाते वक्त जो नैरेटिव अपनाया गया वो ये था कि जनाब देखें, इमरान खान की हुकूमत बहुत नाअहल हुकूमत है, बहुत नालायक हुकूमत है, ये मईशत को संभाल नहीं सकती। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जनाब अली वो इमरान खान के बंदों को ही बुला के कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। उसकी वजह क्या, उसकी वजह खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, अंदरूनी मुल्क जो है, जो सीमेंट की खपत थी, जो आपकी रियल स्टेट बहुत तरक्की कर रही थी, कंस्ट्रक्शन का शोभा बहुत तरक्की कर रहा था, मुल्क के अंदर जो सीमेंट की खपत है वो कम हो गई है। सिर्फ बात यहां तक नहीं है, इसके अलावा सीमेंट, रेत, बजरी और सरिया की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई है। सूरत हाल इस वक्त ये है। लेकिन दूसरी जानब आप अंदाजा इस बात से करें कि वो जो हमें ये कह रहे थे, आज एक सहाफी ने वहां पर बिलावल हाउस के अंदर जो है मुलाकात हुई एक सहाफी के साथ, तो उन्होंने कहा जनाब हालात बड़े मखदूश हैं लेकिन ये कंपनी चलेगी जब तक मैं चाहूँगा। हालांकि हकीकत इस वक्त ऑन ग्राउंड ये है कि जनाब अली ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। कंपनी चलते हुए नज़र इसलिए नहीं आ रही कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़ा इस बात से कर लें कि पंजाब में जो फ्लोर मिल्स हैं, मैंने उनकी हड़ताल की खबर आपको दी थी, उसकी वजह से सस्ता आटा नापैद हो गया है, कीमत बढ़ गई है। पंजाब के अंदर लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई बड़े शहरों में आटा सप्लाई बंद हो गई है, शहरियों को परेशानी का सामना है। लेकिन मीडिया के जरिए ये बताया जा रहा है कि शहबाज स्पीड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सस्ता आटा फराहम कर रही है। भाई वहाँ सस्ता आटा फराहम करना है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, ज़रूर करें, उससे आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन कम अज़ कम पंजाब के अंदर महंगा आटा ही देते तो रहो, उसकी सप्लाई जो है वो बंद मत करो। और उस तरफ एक और ज़रा खबर सुन लीजिए कि जनाब ये सूरत हाल इस वक्त ये है कि ख़जाना खाली है, आवाम के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, किस लिए जी, वो आवाम कुर्बानी दे। लेकिन आज इन्होंने क्या किया है, आज इन्होंने किया ये है कि इन्होंने चार नए मुआवनीने जो खसूसी हैं वो लगा दिए हैं, जिसका मतलब ये है उनको वज़ीरों के बराबर दर्जा दिया गया है, जिसमें एक शख्सियत जी मोहम्मद जुनेद अनवार हैं और ये जुनेद अनवार चौधरी के अलावा सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम को ये ज़िम्मेदारी दी गई है, रोमीना खुर्शीद आलम को दी गई है, शेख फयाज़ुद्दीन को दी गई है। अब अंदाज़ा ये करें कि अगर आप काबीना का साइज़ हर दिन गुजरते दिन के साथ बढ़ाते जा रहे हैं और आप हमें कहें जी 40% पेट्रोल का जो कोटा है वो कम कर दिया है, रात को अब जियो न्यूज़ के जरिए खबर ब्रेक करवाएं जी वो वजीर आजम के जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं उन्होंने रजा कराना तौर पर उन्हें 50% कमी कर दिया, तो इन इकदाम से कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस जब आप अमली तौर पर इकदाम करते हुए नजर आए और ये इनके घर में भी फूट डालने की वजह बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो नून लीग के ऊपर जब क्राइसिस था, क्राइसिस तो खैर आज भी है, तो वो बहरहाल टीवी के ऊपर आते रहे, पार्टी को डिफेंड करते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। जिसमें आप ये देखिए कि जो तारिक फजल चौधरी हैं, आपको पता है कि पिंडी इस्लामाबाद में उनका एक असर व रसूख है, मोहसिन शाह नवाज रांझा बड़े बहुत बोलते थे और आगे बढ़ चढ़ के जो है वो बातचीत करते थे, मोहम्मद जुबैर असद उमर के जो भाई हैं, मुश्किल वक्त में, हत्ता के एक वक्त में तो मरियम बीबी और नवाज शरीफ के वो तर्जुमान के तौर पर भी सामने आए, और उसके बाद तलाल चौधरी जो हैं उन्होंने बहुत
वो बुली उनको किया जाता रहा, उसके बावजूद वो पार्टी का मौकिफ जो है वो रखते रहे। अब उनके मुतल्लिक खबर आई है कि उन्होंने इस इन जो तार आज मुआवनी ने खसूसी लगाए गए हैं उसके ऊपर वो नाराज़ हो गए। वो कह रहे हैं आप ये बताएं कि हमारे से ज़्यादा क्या इनकी पार्टी की खिदमत है जिनको आपने लगाया है, लेकिन उनको पता इस बात का नहीं है कि असल में जिनको लगाया गया है वो किस किन सर्विसेज की बुनियाद के ऊपर लगाया गया, और ये सर्विसेज शायद ये प्रोवाइड नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो अपने लोगों को और फिर खासकर मरियम ग्रुप जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है। जैसे परवेज़ रशीद आपको कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद वजारतें दे दी गई, ओहदे भी उन्होंने हल्फ भी ले लिया, लेकिन वजारतों के आगे कलमदान उनके हवाले नहीं किए गए। दूसरी जानब कप्तान है कि वो डटा हुआ है, उसने कमान कैसे संभाली है मैं पहली खबर दूँ, फिर मैं उस तरफ खुशखबरी वाली बात की तरफ आऊँगा। असल बात यह है कि आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शंस हैं, तो ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से यहाँ पे लोगों ने अपने लोगों को नवाजने की कोशिश की, लेकिन कप्तान उसके ऊपर तप गया। उसने कहा किसी के बेटे को, किसी के दामाद को, किसी के भतीजे को, किसी के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसमें से एक शख्स ऐसा भी है जिसने अपने बेटे के लिए टिकट की सिफारिश की, तो खान साहब ने बनी गाला के अपने घर का दरवाज़ा उसके ऊपर बंद करवा दिया। और खान साहब ने कहा उसकी वजह यह है कि हमने ये इलेक्शन लड़ना है और ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालाँकि उनका खर्चा यह है कि इलेक्शन कमीशन या किसी भी ताकतवर के साथ मिलकर कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं हम हर सूरत की लगाएंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो हैं वो नाराज़ हैं जी, मलाइका बुखारी और जरताज गुल की सिर्फ तारीफ क्यों की गई है इस लॉन्ग मार्च के दौरान जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिपोर्ट दी है, उस सारी सूरत हाल को लेकर उन्होंने खान साहब से मुलाकात की है, और खान साहब की मुलाकात के दौरान खान साहब ने उन सबकी जदोजहद को सराहा है। इनका मौकफ ये था कि हमने भी डी चौक के ऊपर शेलिंग बर्दाश्त की, हमने भी पुलिस का मुकाबला किया, तो आपने हमारे नाम उसके अंदर इग्नोर कर दिए हैं, और आपने दीगर जो मलाइका बुखारी और जरताज गुल साहिबा हैं उनके नाम, जिस पे खान साहब ने उनको कहा। अब असल बात यह है जो टिकटों का मामला हो या खवातीन का, कि तहरीक इंसाफ अगर मुत्तहिद रहेगी तो जीत मुमकिन है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ अपने अंदरूनी लड़ाइयों में लड़ेगी तो उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि उनका दुश्मन उनसे फ़ायदा उठाएगा और वो बात आगे चली जाएगी, फिर इनके बस की बात नहीं रहेगी। अब आते हैं इस बात की तरफ कि असल में खबर जो खुशखबरी वाली है जिसके ऊपर हम ये सब कह रहे थे कि कुछ चीज़ें तो हो रही हैं, जिस तरह मैंने आपको एक खबर दी कि खान साहब से मदद मांगी जा रही है, फिर शहबाज शरीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। अब एक तरफ ये शायद खाकान अब्बास बहुत सारे और ख्वाजा आसिफ नकवी हम तैयार होते इलेक्शंस के ऊपर, अब खान साहब को गिरफ्तार किया जाना, खान साहब को लॉन्ग मार्च के से रोकना, फिर मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, पाबंदियां, इस किस्म की चीज़ों से लग रहा था, फिर रिटायर्ड जो अफसरान हैं फौजी अफसरान उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से रुकावटें डालना, तो सूरत हाल तो प्रेशर वाली थी। और ये सब मानते हैं कि जी हम तैयार हो गए थे जी इलेक्शन करवाने के लिए, जो खुद इस बात का सबूत है कि ये प्रेशराइज थे। अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि आज कल के दिन तक राणा सनावला ने क्या कहा, ये कहा जी मेरा पक्का इरादा है कि मैं खान साहब को गिरफ्तार करना चाहता हूं। फिर पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से कभी कहते हैं जनाब नहीं, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन अब मामला ये है कि इनके ऊपर दबाव बढ़ गया है, और दबाव बढ़ने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। अब वही राणा सनावला जो मूछों को ताव दे के खान साहब की गिरफ्तारी की बातें कर रहे थे और दीगर इकदाम की बातें कर रहे थे, अब उनके मुतलिक खबर सुन लीजिए कि राणा सनाउल्ला ने इमरान खान को पेशकश कर दी है मुजाकरात की। शायद आपको इस बात का यकीन ना आए। अब मैं आपको बताऊं असल वजह इसके पीछे क्या है। मैंने आपको जो बताया था खान साहब यहां से चले गए थे, आपको तासुर ये मिल रहा होगा जैसे खान साहब ठंडे पड़ गए हैं, तहरीक ठंडी पड़ गई है, जलसे भी नहीं हो रहे, खान साहब को डेडलाइन भी नहीं दे रहे, ये कह दिया बजट के बाद देखेंगे। असल बात ये है जो मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ें नजर आ रही हैं वैसी नहीं है, जो नजर नहीं आ रही वैसी हैं, और वो आपको नजर चूंकि अभी आ नहीं रही, तो असल मामला है बजट के बाद और 15 जून 16 जून के बाद खेल शुरू होना है। अब राणा सनावला को उस चीज़ का अंदाजा है, चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं, उनको खुद भी पता है। तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, खान कोर कमेटी ने क्या कहा, आप इलेक्शन का ऐलान करें और उसके बाद बातचीत होगी। आज राणा सनावला ने डायरेक्टली खान साहब को कहा है कि जन, और वो उनके तमाम मीडिया चैनल जो जियो न्यूज़ जैसे, उन्होंने खुद से इसको रिपोर्ट किया है, और खान साहब को ही उन्होंने कहा जी ठीक है इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्या या अक्टूबर के अंदर करवाने हैं, अक्टूबर से आगे लेके जाने हैं, या इसके ऊपर भी सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन खान साहब बात करें। और उनका कहने का मतलब यह जी आप जो है अपोजिशन लीडर और या जो कायदे ऐवान है वो आपस में हाथ ना मिलाएं तो सिस्टम कैसे चल सकता है, ये सारी बातें फ्रॉड हैं। असल बात ये है कि खान का इनसे इनकी कंपनी नहीं चल रही और खान साहब का दबाव काम कर रहा है, और इनको पता है कि खान साहब को क्या कहा गया, जिसकी वजह से ये सारे परेशान हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।